नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री महाराज धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के भाई महात्मा विदुर के जीवन के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विदुर हिंदू ग्रंथ महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक है। विदुर शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसमें विद्य धातु विद्यमान है, जिसका अर्थ है ज्ञानवान, ज्ञानी और विद्वान आदि होना। इसके अतिरिक्त महात्मा विदुर को धर्मराज का अवतार भी माना गया है। वह हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री तथा कौरवों और पांडवों के काका थे। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था, इसलिए उन्हें राजा बनने का अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन अपने बुद्धि और चतुराई के कारण विदुर ने प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार विदुर को यमराज व धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। विदुर ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। विदुर पांडवों के सलाहकार थे और उन्होंने दुर्योधन द्वारा रची गई साजिशों से कई मौके पर उन्हें मृत्यु से बचाया था। विदुर ने कौरवों के दरबार में द्रौपदी के अपमान का भी विरोध किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान विदुर धर्म और पांडवों के पक्ष में थे। सबसे पहले हम जानते हैं विदुर के जन्म के विषय में। महाभारत के समस्त पात्रों की भांति महात्मा विदुर के जन्म की कहानी भी विचित्र है। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि धार्मिक स्रोतों के आधार पर कुरुवंश के 14वें महाराज शांतनु और रानी सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर। महाराज शांतनु के बाद राजकुमार चित्रांगद को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया, लेकिन थोड़े समय बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके अनुज राजकुमार विचित्रवीर हस्तिनापुर के युवराज बन गए। आगे चलकर विचित्रवीर के विवाह के लिए भीष्म पितामह ने काशी नरेश की दो कन्याओं को चुना, जिनका नाम राजकुमारी अंबिका और राजकुमारी अंबालिका था, जो कि सगी बहनें थी। कुछ समय बाद विचित्रवीर भी मृत्यु लोक को सिधार गए। ऐसे में दोनों राजकुमारों की असमय मृत्यु के चलते हस्तिनापुर की राजगद्दी सूनी हो गई। युवराज विचित्रवीर की मृत्यु के पश्चात उनकी माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्रवधू अंबिका और अंबालिका को अपने ज्येष्ठ पुत्र महर्षि वेदव्यास के माध्यम से पुत्र उत्पन्न करवाने का विचार किया। तभी राजमाता सत्यवती ने अपने सन्यासी पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलवाया। महर्षि वेदव्यास अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए बोले, हे माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वह एक वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहे, तभी उनको गर्भ धारण होगा। फिर महर्षि वेदव्यास विचित्रवीर की दोनों पत्नियों के पास गए और अपनी यौगिक शक्तियों से उन्हें पुत्र उत्पन्न करवाने का वरदान दिया। एक वर्ष व्यतीत हो जाने पर महर्षि वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। रानी अंबिका ने उनके तेज से डर कर अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर ऋषि वेदव्यास लौट कर राजमाता सत्यवती से बोले, माता, रानी अंबिका का बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और फिर उन्होंने ऋषि वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। रानी अंबालिका महर्षि वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उनके कक्ष से लौटने पर महर्षि वेदव्यास ने माता सत्यवती से कहा, माता, रानी अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रस्त पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी ज्यादा दुख हुआ। और जब यह सब कार्य चल रहा था, तब राजमाता सत्यवती ने उत्तेजित होकर एक दासी परिश्रमी को
वहां का हाल लेने के लिए उस कक्ष में भेजा था, पर महर्षि वेदव्यास के द्वारा होने वाले मंत्र उच्चारण उस दासी परिश्रमी के कानों में पड़ने के कारण वो दासी गर्भवती हो गई। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, हे माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत से परांगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने वन को चले गए। फिर समय आने पर बड़ी रानी अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, छोटी रानी अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रस्त पांडु तथा उस दासी परिश्रमी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार ऋषि वेदव्यास के मंत्र उच्चारण द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। वैसे देखा जाए तो विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई लगेंगे, क्योंकि तीनों के पिता एक ही है और वो है महर्षि वेदव्यास। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के ज्ञान और लोगों के कल्याण के प्रति उनके समर्पण का सम्मान किया। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर आए थे तो वह विदुर के घर पर ही रुके थे। विदुर महाराज धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे, किंतु न्यायप्रियता के कारण पांडु पुत्र पांडवों के हिताशी थे। विदुर समय को देखते हुए अपने नीतियों के माध्यम से महाराज धृतराष्ट्र को समझाते रहते थे। इनकी यही रचना विदुर नीति के नाम से जानी जाती है, जिसके विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे। महाभारत युद्ध को रोकने के लिए विदुर ने बहुत जतन किए, पर सफल ना रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में विदुर ने मंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। महात्मा विदुर सत्य, ज्ञान, साहस, निष्पाक निर्णय और धर्म के व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। महात्मा विदुर को महान महाकाव्य महाभारत में पवित्र व्यक्ति माना जाता है। विदुर ने अपना पूरा जीवन धर्म मार्ग में व्यतीत किया। उन्होंने पांडवों की रक्षा की और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। महात्मा विदुर एक नेक इंसान थे और हर किसी का सम्मान करते थे। अब हम जानते हैं महात्मा विदुर के पूर्व जन्म के श्राप के विषय में। प्राचीन समय की बात है, मांडव्य नामक एक ऋषि थे। एक दिन ऋषि मांडव्य अपने आश्रम के बाहर लगे वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। उस वक्त कुछ चोर वहां चोरी का सामान लेकर पहुंचे। खुद को उन्होंने व्यापारी बताया और कहा, हे ऋषि मुनि, कुछ लुटेरे हमारा पीछा कर रहे हैं, कृपा हमारी सहायता करें। मांडव्य ऋषि ने उन पर विश्वास करते हुए उनका सामान आश्रम में रखवा दिया। उसके बाद उन्हें वहां से सुरक्षित भागने का मार्ग भी बतला दिया। थोड़ी ही देर में वहां सैनिक आ पहुंचे और उन्होंने ऋषि मांडव्य की कुटिया का निरीक्षण किया तो उन्हें चोरों का छिपाया हुआ सामान मिलता है। चोरों का साथ देने के कारण सिपाही मांडव्य ऋषि को पकड़ लेते हैं। ऋषि मांडव्य अपना पक्ष रखते हुए स्वयं को निर्दोष बताते हैं, पर सैनिक उनकी एक भी नहीं सुनते। फिर मांडव्य ऋषि को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। मांडव्य ऋषि ने अपनी बात रखनी चाही, परंतु महाराज ने उनकी एक ना सुनते हुए उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। जब मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया जा रहा था, तब उन्होंने अपने तपोबल से अपनी रक्षा की और जब महाराज को सच का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर मांडव्य ऋषि से क्षमा याचना करने के लिए महाराज उसी समय मांडव्य ऋषि के पास जा पहुंचे। महाराज ने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने महाराज को क्षमा कर दिया और कहा
कि इसमें उसका कोई दोष नहीं है, यह तो उनके ही कोई कर्मों का फल होगा जो उन्हें सूली पर चढ़ने का दंड मिला। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था जो उन्हें इसका फल सूली पर चढ़ाकर उतारना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मांडव्य ऋषि धर्मराज के पास जा पहुंचे। धर्मराज के पास पहुंचकर उनसे पूछा, हे धर्मराज, मुझे बताइए, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा? इस बात पर धर्मराज ने मांडव्य ऋषि को बताया, 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक तितली की पूंछ में कांटा चुभाया था जिस कारण उन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ा। यह बात जानने के बाद मांडव्य ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने धर्मराज से कहा कि बालक 12 वर्ष तक जो भी कार्य करता है उसे अधर्म नहीं कहा जा सकता। उस आयु तक उसे अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता है। आपने मेरे साथ अन्याय किया है। न्याय के आसन पर बैठकर अन्याय करना भी अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें मानव योनि में जन्म लेकर भोगना होगा। आज सही न्याय ना कर पाने के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मानव योनि में जन्म लेकर न्याय और अन्याय की समस्याओं को सुलझाने में ही तुम्हारा संपूर्ण जीवन निकल जाएगा। तो ये था वो कारण जिसके कारण मृत्यु के देवता यमराज अर्थात धर्मराज को महात्मा विदुर के रूप में मानव बनकर धरती पर जन्म लेना पड़ा। श्राप के प्रभाव के कारण वह सारा जीवन गलत और सही का निर्णय करने में ही लगे रहे। अब हम चर्चा करते हैं विदुर के मृत्यु के विषय में। महात्मा विदुर अपनी वृद्ध अवस्था में एक संत के रूप में अपने सौतेले भाई धृतराष्ट्र और अपनी भाबिया गांधारी और कुंती के साथ जंगल में चले गए थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने पांडु पुत्र युधिष्ठर को अपनी सारी शक्ति दे दी। जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने वनवास ग्रहण कर लिया तथा वन में ही इनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के पश्चात महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी पांडवों के साथ जीवन व्यापन करने लगे थे। लेकिन कुछ समय पश्चात महाराज धृतराष्ट्र अपने द्वारा किए गए पापों के पश्चाताप करने और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से वन में चले गए। महाराज धृतराष्ट्र के साथ उनकी पत्नी गांधारी, पांडवों की माता कुंती और महात्मा विदुर भी वन में जीवन व्यापन करने चले गए थे। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि वन में आग लगने के कारण उन चारों की मृत्यु हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम महाभारत के किसी और किरदार के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।